हाजी भाई, हमारे मुल्क में बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है लोग। सही बात। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। कुछ दिन पहले मैं गया नौकरी के लिए इंटरव्यू पे, पता नहीं क्यों नहीं जॉब मिली, उसके बाद जवाब ही नहीं आया। तो अपना रंग थोड़ा सही कर लेना यार। रंग वंग की बात नहीं, आप देखे इंटरव्यू पर, बताए मुझे क्यों नहीं जॉब मिली। जी जी आए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिस्टर थेली वाले, प्लीज बैठे। ठीक हूं सर, आप आए, शुक्रिया आप आए। आप बताएं कि इस कंपनी में क्या लाएंगे आप? मैं कुछ भी लाऊंगा, गाय भैंस जो चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा हॉबीज के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं इंटरनेट पे बैठता हूँ, किताबें पढ़ने का शौक है, मोबाइल चुरा लेता हूँ कभी कभार, गाड़ी भी चुराता हूँ कभी कभी। हाँ, और मुझे फैशन का बड़ा शौक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। मैं खून भी करता हूँ, मैं क्या नाम है, मनशियात का भी शौकीन। काफ़ी चीज़ें बहस भी लेके आते हैं। अब ये भी बताएं कि तालीम क्या है आपका? तालीम मैं लम्स से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, लम्स में पढ़े थे? वहाँ काफ़ी लोगों में मैं जानता हूँ। अच्छा हाँ, लियारी में आपकी जान पहचान है, लियारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वैसे आपके GPA इतना लो क्यों है? लेस इज मोर, मोर इज लेस। अच्छा, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। वैसे ये बताएं कि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ये इसके नौकरी के बारे में कैसा पता चला आपको? वो मैं उस दिन पान खा रहा था, तो उसका जो रैपर होता है ना, उसमें मैंने देखा कि भाई ये थैली बेचने की कंपनी है, वहाँ पे रिक्रूटिंग होती है, मैं कहा अप्लाई कर लेते हैं। हमारा थिंकिंग तो अच्छा ना कि हमने पान में ही डाल दिया। तो आपके वालिद साहब के बारे में बताएं। वालिद साहब मेरे नेक आदमी है। नेक आदमी? हाँ जी, वो भी एक जमाने में गाड़ी चुराते थे। अच्छा, मोबाइल चुराना उन्हीं ने मुझे सिखाया। अच्छा जी, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं जॉब के लिए आया हूँ, लेकिन अगर आपकी बेटी भी मिल जाए तो वो भी सही है। एक था राजा अकबर भाई, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ये क्या था? अरे भाई, हमारे बचपन में तो ऐसी लव स्टोरीज होती थी, और ये आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या क्या होता है। हमारी दादी अम्मा यही दो दो डेढ़ डेढ़ मिनट की स्टोरी सुनाती थी, है ना, याद आया ना? वो एक थी ना, वो शीरीन फरहाद की। हाँ 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 हाँ, वो भी मॉडर्न डे में देखते हैं कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? फरहाद, मेरे पापा ने कहा है जब तुम मेरे घर दूध की नहर लेकर आओगे तब वो तुमसे शादी करेंगे। इतनी दूर जाऊंगा, इतने में 50 बच्चे हैं ना फसालू में। ये कुछ लोकल किस्म का भी एक रोमियो जूलियट है, लैला मजनू। लैला, लैला तुम यहाँ पर खड़ी हो, वहाँ तुम्हारे भाइयों ने मुझे इतना मारा है। तुम हो ही थे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइनीज टाइप, मुझे तो सॉफ्ट इंजीनियर से शादी करनी है। हाँ जान यार, वो अकबर के साथ बैठा हूँ, वो वैगन फ्रेंड्स की लिंकिंग कर रहा हूँ। हैं? अबे भाई लिंकिंग कर रहा हूँ। अबे अकबर बैठे साथ, हेलो बोल। हेलो। अरे कौन सी लड़की की आवाज़ है? अकबर है भाई। भाई लड़की की आवाज़ नहीं है मेरी, मैं बाद में बात करता हूँ यार। यार अकबर भाई, एक लड़कियों को जब भी सच बताओ ना, ये कभी नहीं मानती। और हम लड़कों के साथ पता क्या होता है? ये देखिए, ये होता है। हाँ हाँ, तो तुम कहोगे तुम्हारे बॉस का ही फ़ोन था। बस बस, सारे फिल्में तो मेरे साथ करना आती हैं। कहाँ थे तुम? बस बस, सब जानती हूँ मैं, किससे बात कर रहे थे, किससे बात नहीं कर रहे थे तुम्हें। मैं बहुत, नहीं नहीं मैं जानती हूँ, मैं शरीफ नहीं हूँ कोई इतनी सीधी सादी। बस बस रहन दो। हाँ बस बस, चलो कोई सॉरी वॉरी नहीं, सॉरी से नहीं चलता वलता कुछ नहीं, तुम्हारा नंबर भी था, बस अब सब कुछ खत्म हमारे बीच। हेलो जान, क्या कर रही हो? सो रही हो? दोपहर के 3 बजे इतने शोर में? अच्छा चलो सो जाओ मेरा बच्चा, हाँ बाद में बात करते हैं। ओके, बेचारी सो रही है ना यार इस टाइम। हाँ ना, बहुत प्यार करती है मुझे, थक जाती है बेचारी। हादी भाई, आप बड़े मासूम हैं, आपको पता नहीं आपके साथ हुआ क्या है। असल में खवातीन का फोन नंबर कभी बिजी नहीं जाता। क्यों? पता ही क्यों? क्यों? देखे हाँ, वो जो लास्ट फेस्टिवल था कितना अच्छा था ना। हाँ, उसको देखा था मरिया को। अच्छी, और एक मिनट जरा, गेट पे कोई आया है, इसे देख लूँ। हेलो। हाँ यार, तुम्हें पता है ना मैं रोटियाँ बना रही थी, घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा ना, और क्या कर रहे हो? दादी क्या हो गया भाई? वही हुआ जो हर लड़के के साथ होता है, लड़की से ना मिलने पर क्या होता है? ये होता है। हेलो जान, कैसी हो तुम, कहाँ थी इतने दिनों से? बस कर दो, अब तुम्हें जानिया दारी है, मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं हूँ, समझे तुम्हारे। उस दिन तुम्हें बफर जोन से 5 मिनट के लिए मैंने CVO क्या बुला लिया, कहा भी था मैं मम्मी के साथ आई, तुम आ नहीं सकते थे क्या? तुम्हारी जान निकल गई, तुम जैसे बहुत मिलते हैं, बस जाओ चलो अपना काम करो। और अकबर भाई, ये अगर वो ना मिले ना मुझसे,
कुछ भी कह दे मुझे तो मानना पड़ता है, पता है किस तरह? किस तरह? इस तरह। गर्मी आ गई ना? हाँ गर्मी, अभी सर्दियों में बहुत ठंड थी, पाकिस्तान टूर नहीं गया था वहाँ पर, मतलब बहुत बर्फ पड़ी थी। क्या देखने थी सिस्टर का फोन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार वो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। वो एक्चुअली ना मेरी ना नानी की तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती हूँ, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ तुमसे घर जाके बात कर दूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, प्लीज़। थैंक यू, बाय। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फ़ोन था, मेरी सिस्टर को भी जानती हैं, तो अगर मैं उनको बोलती कि मैं, तो मेरी सिस्टर को बोल देती हूँ इसलिए। और जनाब अगर लड़की को आप रंगे हाथों भी पकड़ लें फिर भी किसी ना किसी तरह बच जाती है। बात तो है, देखें कैसे। क्यों, ये मेरा कजन है, ये थोड़ा सा साइको है, ये मुझे अपनी फोन से समझता है, प्लीज तुम इसकी बात का ब्लेम मत करना और ना तुम ना तुम बुरा मानना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे बोला मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, और ये डॉलर में क्या हो रहे हैं? अरे पाकिस्तानी कौम का हाल देखें, एक दोस्त है मेरा, उसको एक छोटी सी फिल्म में उससे भी छोटा रोल मिला और फुल चौड़ा हो गया वो। क्यों चौड़ा हो गया भाई? देखें। और पार्टी फेर है ठीक ठाक भाई, और गुटका गुटका तो प्लेट गुटका मेला आदमी। चल भाई आगे पीछे यहाँ से, जब देखो गुटका गुटका आ जाता है पता नहीं कहाँ से। अकबर भाई ये तो हो गया ना कि फिल्म में सीन मिला, इसमें कुछ नहीं था, इसको एक बार बस स्टॉप पे लड़की ने थोड़ी सी लाइन करा दी थी। अच्छा देखें जरा उसके बाद इसने किया गया। आपसे मतलब? अब शॉपिंग में हाल देख लें, 2 रुपए के गुटके खाने वाला आदमी उसका हाल देखो। 30 का तो मुझे पड़ा है, 25 का कैसे दे दूं? भाईजान। जी भाई। यार आईफोन होगा? बिल्कुल है। 30 सेट? भाईजान 30 सेट क्या करेंगे आप? अबे भाई 14 में उस पे बांटूंगा यार, है या नहीं? हंस क्यों रहा है भाई? अरे वो उसने जो छोटा सा फिल्म में सीन नहीं किया था वो सेंसर बोर्ड वालों ने काट दिया। आज तुझे बताओ हुआ क्या उसके साथ उसके बाद? जानी कैसा है? अबे हट पीछे। अबे क्या हो गया? खैर हुई। अच्छा 20 रुपए दे जल्दी से। क्यों भाई? अबे गुटका लेना है ना, समझा कर। तूने तो गुटका छोड़ दिया था भाई। मैं कब छोड़? चल चल निकल शाबाश। अच्छा जनाब अब ये भाई साहब औकात में वापस आ गए, बस स्टॉप पे गए बच्ची को फंसाने, अब देखें क्या हाल हुआ उनका। मेरा नेटवर्क इग्नोर हो चुका है, बट मेरा नेटवर्क बिजी हो चुका है। और हम खामोशी से कैमरे को क्यों देख रहे हैं? डायरेक्ट करने वाला है, जितना ज्यादा बैठ के इसको देखोगे उतना ज्यादा टीवी पे आओगे। अच्छा सॉरी सॉरी। हां भाई देखो हम तो टीवी पे आ रहे हैं और हमारे तो मजे लगे हुए, हम तो अपना टैलेंट दिखाए जा रहे हैं जो हमारे पास है। अगर आप लोग को अपना टैलेंट दिखाना है तो उठो बेटा उठो, घर पे आके वीडियो नहीं बनेगी, स्टूडियो आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बर्गर मिलते हैं, बोतलें मिलती हैं, पानी मिलता है, पानी मिलता है। अच्छा नाजरी तो इसलिए यूट्यूब पे और ये इधर उधर अपनी वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हो भाई? हम भी यही काम करते थे, कोई फायदा नहीं होता, बच्चियां लाइक नहीं करती, फेक प्रोफाइल होती है, फेक प्रोफाइल। इधर आओ वकार भाई से बात करो, उनको अपना टैलेंट दिखाओ और उस टैलेंट को दुनिया को दिखाओ। और अगर नहीं आ सकते, CNG बंद है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो मामू वीडियो ईमेल करो wackandfriends@airymusic.tv। नहीं समझ आई? नीचे पढ़ो नीचे। अच्छा बस ठीक है, हाँ अच्छे लग रहे ना। अच्छा लिंक। ओह हाँ सॉरी, तो क्या बात थी? बात क्या चल रही थी? हाँ दोस्तों के साथ इतने इनफॉर्मल होते हैं हम, मतलब जो जिगरी इंतजाम है कुछ कभी कभी भारी पड़ जाता है, देखें कैसे। किस तरह? और पार्टी क्या हाल है? खैर है? क्या हुआ भाई इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? अबे मत पूछ यार। क्या हुआ? सुबह उठा यार, बेगम ने सुना दी, ऑफिस के लिए जा रहा था, टायर पंचर हो गया गाड़ी का, बड़ी मुश्किल।